अस्सलामुअलैकुम, यह है समा। मैं हूं उमर बशीर और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में बिजली का भट्टा बैठ गया। शदीद धुंध ने नेशनल ग्रिड स्टेशन पर ऐसा वार किया कि 200 और 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। पंजाब में भी बिजली का काल पड़ गया। पावर डिवीजन इलामिया के मुताबिक गुड्डू के पास 500 और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों पर ट्रिपिंग हुई है। 500 केवी सर्किट ब्रेकर के एक पोल को नुकसान पहुंचा। दरून सिंध शदीद धुंध की वजह से सखर और दीगर इलाकों में 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। तो सूरतेहाल आपको हम बता रहे हैं कि मुल्क भर में बिजली का भट्टा बैठ गया है। शदीद धुंध ने नेशनल ग्रिड स्टेशन पर ऐसा वार किया कि 200 और 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों की बिजली बंद हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, यह है समा। मैं हूं उमर बशीर और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में बिजली का भट्टा बैठ गया। शदीद धुंध ने नेशनल ग्रिड स्टेशन पर ऐसा वार किया कि 200 और 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। पंजाब में भी बिजली का काल पड़ गया। पावर डिवीजन इलामिया के मुताबिक गुड्डू के पास 500 और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों पर ट्रिपिंग हुई है। 500 केवी सर्किट ब्रेकर के एक पोल को नुकसान पहुंचा। दरून सिंध शदीद धुंध की वजह से सखर और दीगर इलाकों में 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। तो सूरतेहाल आपको हम बता रहे हैं कि मुल्क भर में बिजली का भट्टा बैठ गया है। शदीद धुंध ने नेशनल ग्रिड स्टेशन पर ऐसा वार किया कि 200 और 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों की बिजली बंद हो गई है।